हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश्वर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। वो भर्ती क्या रहने वाली है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं मैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके क्या पद रहने वाला है, कब से इसके आवेदन होना है, आवेदन आपको कैसे करना है, क्या फीस लगने वाली है, आपका चयन किस प्रकार किया जाएगा, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो किस तरह करें वीडियो पूरा देखें। आप लोग दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो करने लायक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती जानकारी आपको तुरंत स्थान के माध्यम से करें। देखिए हम आ चुके हैं बाइटपुर दोस्तों। आप लोगों की जो भर्ती है ना मध्य प्रदेश आयकर विभाग, ठीक है, यहाँ पर निकाली गई आयकर विभाग में 2024 की आपकी भर्ती देने वाली है। यदि मैं बात करूँ इसके जो आवेदन है, तो देखिए इसके जो आवेदन दोस्तों 12 फरवरी से ये प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके आवेदन, और ये चलने वाले हैं दोस्तों 12 मार्च तक आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब आप लोग दोस्तों रहेंगे आवेदन, तो देखिए आप लोग दोस्तों जो आवेदन रहेंगे ऑफलाइन, यहाँ पे आवेदन आपको यहाँ पे करना पड़ेंगे, ठीक है, यानी ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ऑफलाइन आपको रहेंगे आवेदन, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं पद की बात कर लेता हूँ कि पद रहने वाला है, तो आपको जो पद रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्पेशल, ठीक है, स्पेशल ऑडिट ऑडिट का रहेगा आपका पद, और ऑडिटर्स का आपका यहाँ पर पद रखा गया है, स्पेशल ऑडिटर का पद आपका रखा गया है। यदि मैं जो फीस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो लगने वाली 00 रुपये, यानी आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली, ठीक है, आपका ये रहेगा 900 आपका रहने वाला है। यदि मैं बात करूँ आपका चयन है भाई, सिलेक्शन किस प्रकार होना है, तो दोस्तों आपका चयन बुक ही जाएगा आपका इंटरव्यू के आधार पर, इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। दोनों आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना, ओनली इंटरव्यू आपका होना है। देखिए आप हम बता लेते हैं योग्यता की, और दूसरा इसका जो फॉर्मेट है जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए योग्यता प्लस फॉर्मेट आप लोग, चलो मैं बताता हूँ नोटिफिकेशन माध्यम से, उसमें बताते हैं आप क्या योग्यता रहने वाली है और कौन सा फॉर्मेट आप लोगों को भर के किस स्थान पर आपको भेजना है, तो उसमें हम बताते हैं नोटिफिकेशन में। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए आपकी जो वैकेंसी है आयकर भवन नब्दा पुरम रोड, ठीक है, भोपाल से निकाली गई है, और 11 फरवरी को यहाँ पर ये जारी यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और आपका जो दोस्तों यहाँ पर भर्ती रहेगी, मान लो तो ये रहेगी आपकी, देखिए यहाँ पर भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर में आपकी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर इसमें ये काम करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आवेदन आपको कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है। देखिए इसके जो आवेदन दोस्तों 12 फरवरी प्रारंभ हो चुके हैं, 12 मार्च तक चलने वाले हैं, और आप लोगों को दोस्तों रहेंगे तो आवेदन, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एड्रेस, यानी आप लोगों को 11 से 5 बजे तक आप लोगों को भेज देना है। कहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लें, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आयकर भवन भोपाल 40-20-11, यहाँ पर आप लोगों को भेज देना है इस स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ पर रहने वाला है, और आप चलते हैं आप बताते हैं योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखिए ये रहेगी दोस्तों, पहले देख लेते हैं फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर देखिए हम योग्यता की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक को अकाउंटेंसी और ऑडिट के पेशे में लगी प्रतिष्ठान फर्म या स्वामित्ववादी संस्था होनी चाहिए। मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्राइवेट में काम किया हो अकाउंटेंसी और ऑडिट के रूप में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है इसमें, आपके पास मिनिमम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अकाउंटेंसी और ऑडिट के रूप में, ठीक है, तब आप लोग आवेदन। तो ये रही पूरी जानकारी। अब आप लोगों इसका जो रहेगा फॉर्मेट भरने का फॉर्म, तो ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।